गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, हाउ इज योर? जैसा कि मैं बढ़िया, तो हम आ चुके हैं अपने इंग्लिश लर्न भूपेंद्र सिंह यूट्यूब चैनल पर। और गाइस, हमारे ग्रामर के टॉपिक्स जो थे वो लगभग कंप्लीट हो चुके हैं। और जैसा हम स्टार्ट करने वाले हैं 12th की सबसे पहली बुक जिसका नाम है रेनबो, जिसका मैं एक चैप्टर आप लोगों को पहले पढ़ा चुका हूँ रेनबो का, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसकी पॉइंट्स को पूरा करेंगे, ठीक है। इसकी जो पॉइंट्स है वो किस प्रकार से और क्या भाव वर्णित करती है, हम उनको पढ़ेंगे सबसे पहले। तो आज का जो मेरा टॉपिक है, आज की जो मेरी पॉइंट है वो है द स्नेयर को लेकर के। स्नेयर का मतलब होता है जाल, स्नेयर बोलते हैं जाल, ट्रैप कह सकते हैं, ठीक है, लाइट कह सकते हैं। लिखी गई है हमारे पोएट के द्वारा, वो पोएट का नाम है जेम्स स्टेफन। सबसे पहले थोड़ा सा जेम्स स्टेफन के बारे में जान लेते हैं कि जेम्स स्टेफन जो है वो गाइस है एक एनिमल लवर है, याद रखना आपको। हमारे पास में दो पॉइंट्स मिलेगी जिनमें एक तो हमारा जो होगा पोएट वो एनिमल लवर होगा और एक होगा बर्ड लवर, ठीक है गाइस। तो आपको ये जो पॉइंट दी गई है वो दी गई है एनिमल लवर के, जो जेम्स स्टेफन है उन्होंने स्नेयर को लेकर के। और इसकी जो थीम रहेगी आपकी वो रहेगी कि जो जेम्स स्टेफन है उनका जानवरों के प्रति कितना प्रेम है, वो जानवरों के प्रति कितनी सिंपैथी रखते हैं, सिंपैथी होती है सहानुभूति, ठीक है। तो हम जेम्स स्टेफन को पढ़ेंगे, जेम्स स्टेफन ने क्या बताया है स्नेयर को लेकर के, हम वो चीज वर्णित करेंगे। तो गाइस देखिए, आ रही है आपकी 60 नंबर पॉइंट दे रखी है द स्नेयर, ठीक है गाइस। सबसे पहले हम इस पोएम के बारे में जानते हैं कि पोएम में क्या दे रखा है, पोएम क्या कह रही है। तो अबाउट द पोएम में दे रखा है पोएम को लेकर के, द पोएम डेपिस्ट ए रैबिट, डेपिस्ट का मतलब होता है चरित्र चित्रण करना, बताना, वर्णन करना। ए रैबिट, एक खरगोश की दशा को इन्हें स्नेयर क्राइंग आउट ऑफ बेड, जो इस समय जाल के अंदर फंसा हुआ है, जो हमारे पॉइंट का नेम भी है स्नेयर, एक छोटा सा खरगोश है जो इस समय जाल में फंसा हुआ है और दर्द के मारे चिल्ला रहा है, क्राइंग चिल्लाना, और पेन दर्द से, वो दर्द से करा रहा है या चिल्ला रहा है। द पोएट कैन रिकॉग्नाइज द वॉइस, वो जो हमारा लेखक, जो हमारा पोएट है, हमारा कवि है, वो इस आवाज को सुन लेता है और सुनने के बाद में वो इस आवाज को पहचान लेता है, रिकॉग्नाइज होता है पहचानना। द वॉइस ऑफ ए रैबिट, और ये पता लगा लेता है कि ये जो आवाज है वो एक रैबिट की है, एक खरगोश की है। विद इस पा इनटू द स्नेयर, पा P-A-W पा, जिसका एक पंजा, पा होता है पंजा, जाल के अंदर फंसा हुआ है। द पॉइंट डेपिस्ट, हमारा कवि चरित्र चित्रण करता है या वर्णन करता है द सिचुएशन, उस स्थिति को विद द इफेक्टिव इमेजिन, अलग प्रभाव को शो करना चाहता है, वो इफेक्टिव होता है अलग अलग प्रभाव को। एंड सिंपैथेटिक एटीट्यूड, एटीट्यूड होता है रुतबा, तो वो अपनी भावनाओं को शो करना चाहता है, सिंपैथेटिक, सिंपैथेटिक होती है हम बोल सकते हैं सहानुभूति वाली, कि वो जानवरों के प्रति दया भाव रख रहा है, ठीक है। द लास्ट लाइन ऑफ एवरी स्टैंजा, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पोएम के अंदर, याद रखना है कि लास्ट लाइन ऑफ एवरी स्टैंजा, आपके पास में चार स्टैंजा दे रखी है गाइस। स्टैंजा क्या होती है, सबसे पहले ये देख लीजिए कि स्टैंजा चार लाइनों के समूह को कहते हैं, जब चार लाइनें एक ग्रुप के अंदर आ जाती हैं तो उसे स्टैंजा बोला जाता है, ठीक है, जिसे हम हिंदी के अंदर पद बोल सकते हैं या छंद बोल सकते हैं, ठीक है। देखते हैं, एवरी स्टैंजा इज रिपीटेड एट द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट वन, और सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट इसकी जो पहचान है वो ये है कि पहली जो स्टैंजा है उसकी लास्ट लाइन दूसरी स्टैंजा की फर्स्ट लाइन बन रही है। यानी दो चीजें इसको समझने के लिए कि लास्ट लाइन को पहली लाइन कवि ने क्यों बनाया, तो एक तो होता है आइम्बिक टेट्रामीटर, एक तो हमें ये समझ में आता है कि आइम्बिक टेट्रामीटर एक ऐसा प्रभाव है जिसके अंदर जो पहली स्टैंजा होती है उसकी लास्ट लाइन दूसरी स्टैंजा की फर्स्ट लाइन बन जाती है। और कवि बार बार उनको वर्णन कर रहा है तो उसके पीछे भी उसका रीजन है कि वो जानवरों के प्रति भाव दिखाना चाहता है, वो जानवरों के प्रति सिंपैथी दिखाना चाहता है, इसलिए उसने बार बार लास्ट लाइन को फर्स्ट लाइन बनाया है। दो चीजें हो गई हमारे पास में, लास्ट देखते हैं। द फर्स्ट थ्री स्टैंजास आर रिटन इन आइम्बिक टेट्रामीटर, जो तीन शुरुआती स्टैंजास हैं वो लिखी गई है आइम्बिक टेट्रामीटर के अंदर, विद ए स्ट्रेस ऑफ ऑल एंड एंड बट इट डजंट हैपन इन द लास्ट स्टैंजा, लेकिन अंतिम स्टैंजा में ये बात साबित नहीं होती है, ये जो हमारा आइम्बिक टेट्रामीटर है ये लागू नहीं होता है अंतिम के अंदर, क्योंकि अंतिम से नेक्स्ट को नहीं बनाया जा सकता है, इसलिए वहां पर नहीं है। तो हम देखते हैं हमारी पोएम को, पोएम क्या कह रही है। आई हियर ए सडन क्राई ऑफ पेन, आई मैंने सुना अचानक से ए सडन क्राई ऑफ पेन, दर्द भरी आवाज, मैंने अचानक से दर्द भरी आवाज सुनी, ऑफ पेन, पेन होता है दर्द। देयर इज
रैबिट इन स्नेयर। और जैसे मैंने आवाज सुनी, मैंने पहचान लिया कि शायद कोई छोटा सा खरगोश जो है वो जाल में फंसा हुआ है। नाउ आई हियर द क्राई अगेन। अब मैंने ये आवाज वापस से सुनी, बट आई कैन नॉट टेल फ्रॉम वेयर। लेकिन मुझे सिर्फ आवाज आ रही थी और मुझे अंदाजा था कि आवाज जो है वो एक खरगोश की है, पर मैं नहीं कह सकता कि ये आवाज कहाँ से आ रही है, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि एक्चुअल में वो खरगोश कहाँ पर फंसा हुआ है, उसका जाल कहाँ लगा हुआ है। बट आई कैन नॉट टेल फ्रॉम वेयर, देखो फिर से वापस रिपीट कर रहा है लास्ट लाइन को फर्स्ट लाइन बनाते हुए, कि मैं नहीं बता सकता, कि मुझे नहीं पता चल रहा है कि वो आवाज कहाँ से आ रही थी। He is calling out for aid. Aid, guys, अच्छा word है, AID, aid. Aid का मतलब होता है उपचार करवाना, याद रखना। कि मैं नहीं कह सकता हूँ वो कहाँ से आ रही थी आवाज, क्योंकि वो सिर्फ मदद के लिए बुला रहा था। Aid मदद भी कह सकते हो आप, या aid उपचार भी कह सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कि मुझे नहीं पता चल रहा था वो आवाज कहाँ से आ रही थी। एंड आई कैनोट फाइंड द प्लेस, और मैं वहां पर नहीं ढूंढ सकता था। क्राइम ऑन फ्राइटनेड एयर, उसकी चीख के कारण, जैसे जैसे वो खरगोश चिल्ला रहा था, चीख रहा था, उस पूरी हवा के अंदर डर भय प्रवाहित हो गया था। हवाएं ऐसी चल रही थी कि उस खरगोश के डर के कारण हवाओं में भी डर हो चुका था। मेकिंग एवरीथिंग अफ्रेड, उस पूरे जंगल के अंदर सब कुछ डरावना लग रहा था, क्योंकि उस खरगोश की आवाज ने पूरे जंगल को डरा दिया था। Making everything afraid. फिर से उसने लास्ट स्टेंजा को फर्स्ट स्टेंजा बनाया है, कि सब चीजें डरी हुई, सहमी हुई नजर आ रही थी। Wrinkling of his face. अब देखो, हमारा जो पॉइंट है वो अनुमान लगा रहा है कि बेचारा वो खरगोश जो इस समय जाल के अंदर छिपा हुआ है, उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि उसके चेहरे के ऊपर रिंकलिंग हो गए होंगे। रिंकलिंग का मतलब होता है झुर्रिया पड़ जाना, वो डर गया होगा, डर के मारे उसके चेहरे पर झुर्रिया पड़ गई होगी। As he cries again for aid. तभी अचानक से जैसे वो सोच रहा है, तो उस समय उसका माइंड फिर से भंग होता है पॉइंट का, और उसे वापस से उस खरगोश की आवाज सुनाई पड़ती है जो इस समय मदद के लिए चिल्ला रहा है। क्राइंग आउट फॉर एड, मदद के लिए चिल्ला रहा है। एंड आई कैन नॉट फाइंड द प्लेस, लेकिन फिर भी अफसोस कि मैं उस जगह को नहीं ढूंढ सकता, क्योंकि मुझे वो नहीं मिल रहा है। मैं उसे बार बार तलाशने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन वो मुझे नहीं मिल पा रहा है। एंड आई कैन नॉट फाइंड द प्लेस, और मैं इस जगह को नहीं ढूंढ सकता हूं। फिर से वो भाव दिखा रहा है उस जानवर के प्रति, उस नन्हे से जानवर के प्रति सहानुभूति प्रकट कर रहा है, कि मुझे वास्तव में नहीं पता चल रहा कि वो जानवर कहाँ है इस समय, किस जाल में फंसा हुआ है, किस जगह पर फंसा हुआ है। वेयर इज पा इन इज द स्नेयर, यही हमारी पॉइंट का नाम है, कि कहां पर उसका पंजा जाल के अंदर फंसा हुआ है। लिटिल वन, अरे वो छोटे से जानवर, ओ लिटिल वन, अरे ओ छोटे से जानवर, आई एम सर्चिंग एवरीवेयर, मैं तुम्हें हर जगह तलाश रहा हूं, बट अफसोस मैं तुम्हें ढूंढ नहीं सकता। और गाइस, इस प्रकार से मेरी ये छोटी सी पॉइंट पूरी होती है। तो आपको याद रखना है कि जेम्स स्टेफन जो है वो एक एनिमल लवर है, और ये पॉइंट जो है आईएनडी टेट्रामीटर में लिखी हुई है, ये लिटरेरी टर्म्स के अंदर आता है, साहित्यिक शब्दावली के अंदर आता है आईएनडी टेट्रामीटर। और आईएनडी टेट्रामीटर की पहचान ये होती है कि उसकी फर्स्ट स्टेंजा की लास्ट लाइन नेक्स्ट स्टेंजा की फर्स्ट लाइन बन जाती है, और पोएम का नाम उसके नाम के अकॉर्डिंग है, उसके वर्णन जो किया गया है वो इसी प्रकार से किया गया है। तब उसने नाम रखा है द स्नेयर, और कवि बार बार लाइनों को यूज कर रहा है। वो इसलिए यूज कर रहा है क्योंकि उसे ये लगना चाहिए कि उसका जानवरों के प्रति काफी ज्यादा स्नेह है, लगाव है। थैंक यू गाइस, इस प्रकार से हमारी पोएम पूरी होती है। थैंक यू।